राजरास्तार गुरु जो शिक्षक मान कांध उपरे पिलांक भविष्यत से शिक्षक माने एबे रास्तार आंदोलन करछंती आमे कहूँ अध्यापक कथा एवं शिक्षक कथा स्कूल कॉलेज छाड़ी ए अध्यापक माने शिक्षक माने कहीं के राजरास्ता को आछंती। प्रथम कथा होची 662 वर्गर अध्यापक माने जो माने एबे भुवनेश्वर आंदोलन करछंती अभिनव ढंग से प्रतिवाद करछंती। प्रतिवाद रो तरीका हला पार्टी रे कलापटी बांधिक से प्रतिवाद करछंती, कैंडल लाली करछंती। पूर्वर से माने जोता पॉलिश करूथले, खरारे बर्षारे शीतरे से माने दाबी पूरण पई आंदोलन करछंती। कौन से मानकर दाबी से मानकर अभियोग होउची सरकार से मानक प्रति पातर अंतर करछंती, तारतम्य करछंती। 488 वर्गर अध्यापक जो माने अछंती, जो माने जूनियर से माने अधिक टका दरमा पाउछंती। जमीक 662 वर्गर पूरा राज्य 4000 अध्यापक अच्छा, किंतु 488 वर्गर जूनियर होने पखापाखि 10000 टाँचा अधिक दरमा पाँच। तो ये तारतम्य को दूर करने सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश अनुसार दरमा देवाई से दाबी करोटी दाबी रही दाबी को पूरण करने चारिथर हम से भुवनेश्वर आसिले आंदोलन कले। सरकार से आलोचना करमती कि जितेबाला युक्त दुई परीक्षा थिला फेब्रुवारी मासरे फेब्रुवारी 13 ता पूर्व से आंदोलन करते सरकार को चेतई देते जे आम परीक्षा बर्जन करूँ, खाता देखा बर्जन करूँ जदि आम दाबी सरकार पूरण न करती। से सरकार से डाकिले आलोचना कले, जो आलोचन आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन है कहगला, जो थे प्रणव प्रकाश दास बीजेडी पावरफुल विधायक से मध्य थिले अर्थमंत्री थिले, एवं एक कहगला जे आपण माने काम रे जोग दियंतु, युक्त दुई परीक्षा संभालंतु, खाता देखंतु, तापर आपने आपण मानक दाबी आमे पूरण करिवु, किंतु सरकार से मानक दाबी पूरण कले नाही। सेति पई से माने पूर्ण थरे राजरास्ता को आछंती एवं भुवनेश्वर से माने आंदोलन करछंती। ई हला प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला जे जो माने चुक्ति भित्तिक शिक्षक से माने मध्ये आंदोलन करछंती, जो मानक संख्या पाखा पाखी राज्य रे 18000 हबो। आपण माने समस्त एक कथा जानिछंती, मुख्यमंत्री 2022 अक्टोबर 15 जो दिन तांकर जन्मदिन थिला से दिन घोषणा कले जे राज्यरु ठिका व्यवस्था उच्छेद होला, अर्थात कौन सी कर्मचारी आउ ठिका निजुक्ति पाइबेने, समस्त जो माने ठिकारे अछंती से माने नियमित हेबे, एवं एमानक संख्या पाखापाखि 57000 हबो। सरकार एक कथा कहिले राजकोषरु 1300 कोटी टका खर्च हबो एई ठिका कर्मचारी मानकु दरमा दबे। आजि राज्य कैबिनेट कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट सिस्टम को सबदिन पाई अबॉलिश करबा को निष्पत्ति नै छथि, किंतु एटी प्रश्न उठुची जो माने 18000 शिक्षक थे जो माने ठिकारे निजुक्ति पाई से कहीं नियमित करागला ना, से कहीं पुणी आंदोलन को आखापाखि 10000 शिक्षक से रास्त आंदोलन करुँचे। दुई दिन पूर्व गणशिक्षा विभाग मंत्री से आलोचना कले और कहले से दाबी जो अच्छी सी यथार्थ दाबी और सरकार पूरण करेंगे, खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। किंतु यही शिक्षक मान अभोग मंत्री कथा रहूना, मंत्री फोन करके सचिव को कहले कि खूब शीघ्र आपको दाबी पूरण कर, किंतु से दाबी वर्तमान सुधा पूरण होलाना किंबा विज्ञप्ति प्रकाश पाला ना। ये मुझक कही रखापी चाहे जो ठिका निजुक्ति कथा कहुची, मुख्यमंत्री जिते निजे घोषणा कले राज्य आउ ठिका व्यवस्था रही आम पड़ोसी राज्य मानक ठिका व्यवस्था अच्छी, किंतु ओडिशा हूँ से प्रथम राज्य जो ठिका व्यवस्था बा ठिका निजुक्ति उच्छेद है, एक कहीकि मुख्यमंत्री बाहबा ना पर दिन आपण मैंने समस्त मन थी जो कर्मचारी मैंने ठिका कर्मचारी संघ अच्छा से मुख्यमंत्री को फुलतोला दे स्वागत कले संभाषण कले। ये प्रश्न उठू जदि सबू ठिका कर्मचारी नियमित हेले ताल ये 18000 शिक्षक आसिले क्यों से प्रश्न कर 2016 मसीह जो माने ठिका निजुक्ति पाई से माने ही केवल नियमित होती, अर्थात 2016 पूर्व जो माने निजुक्ति पाई ठिकारे से माने नियमित हेले ना, एम संख्या 18000 हम और कहवा कथा जे 2004-2016 भितर जो माने नियुक्ति पाई से सरकार नियमित कले ना। तो तांकर प्रश्न ए शिक्षक मानक तारतम्य कहीं पातर अंतर कहीं 2016 पर जो माने नियुक्ति पाई से कहीं नियमित हेले, 2016 पूर्व जो माने नियुक्ति पाई से कहीं नियमित हेले ना, ये पातर अंतर बा ए तारतम्य कहीं से ही प्रश्न उठे से आंदोलन करछंती। आंदोलन दीर्घ दिन धरिकी चली ये आपको आंदोलन को पूरण दाबी को पूरण करने सरकार जो कथा देते से कथा रखुना। दुईट कथा मुझक कहली, गोटे हूँ अध्यापक और अंटी हूँ शिक्षक जो माने ठिकारे निजुक्ति पाई आपण एक जानती जे जिते विधानसभा चले से
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପିଏମ୍ଜି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ଏବେ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 18,000 ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ରାଜଧାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 662 ବର୍ଗର 4,000 ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ବା ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କେମିତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି।